सुधीर हाजिर है दोस्तों। दोस्तों, जब से ये मोबाइल फोन आया है, इसने हम सब की जिंदगी को तहस नहस कर डाला है। एक चीज है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं। 95% मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है और 5% इसका उपयोग हो रहा है। जब से ये मोबाइल फोन हमारी जिंदगियों में आया है, इसने जिंदगियों को तहस नहस कर डाला है। बेशक मोबाइल फोन के थ्रू हम एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ा दी हैं। इस मोबाइल फोन से क्या क्या नहीं हो रहा है, बेईमानी के काम इस मोबाइल फोन से हो रहे हैं, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है इस मोबाइल फोन से। बच्चे, हाँ, बच्चों ने क्या किया है, बच्चों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, रील्स देखने लगे हैं। मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे लोग रील्स पर आकर, रील्स बना बनाकर मुफ्त का ज्ञान पेल रहे हैं और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। एक मिनट के अंदर मुफ्त का ज्ञान पेल कर लोग चले जाते हैं, फॉलो भी करने लगे उनको। स्पेशली जो फुकरे लोग हैं, जिनको खुद नहीं पता कि जिंदगी क्या है, जिंदगी में जो खुद लापता है, वो लोग दूसरों को जिंदगी का रास्ता बता रहे हैं, मंजिल कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, ये बता रहे हैं, और लोग अंधा अनुसरण कर रहे हैं। जी हां, जिनको जिंदगी की ABCD नहीं पता, वो लोग रील्स पर आकर, वीडियोस में आकर, सोशल मीडिया के थ्रू मुफ्त का ज्ञान पेल रहे हैं। क्या करिए ऐसे फुकरे लोगों का, जिनको जिंदगी का ज्ञान ही नहीं और दूसरों को जिंदगी का पाठ पढ़ाने आ गए हैं। और तो और, हुस्न बिक रहा है, जिस्म बिक रहा है मोबाइल फोन के थ्रू। हां, जो जितना नंगा नाच करेगा, उसकी रील, उसका वीडियो उतना ज्यादा वायरल होगा। और जो सच में जिंदगी को जानता है, आपको जिंदगी की बात बताना चाहता है, जिंदगी का पाठ पढ़ाना चाहता है, उसको व्यूज नहीं मिलते, फुकरों को व्यूज मिलते हैं। वाह रे जिंदगी वाह, इस मोबाइल फोन ने पूरी दुनिया को बदल के रख डाला है। और मतलब के लिए सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता है। आपको कोई कॉल क्यों करता है, ज्यादातर लोग कॉल्स आपको इसलिए करते हैं, मैसेजेस इसलिए करते हैं कि उनको आपसे कोई मतलब होता है। सुबह सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज, वाह, दिल में कुछ भी गुड नहीं, गुड मॉर्निंग का मैसेज, शुभकामनाएं, दिल में कोई प्यार नहीं, कोई शुभकामना वाली बात नहीं, और टिक लिख के भेज डाला, शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग, वाह क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं इस मोबाइल के कारण, रील्स पे बिजी है, पढ़ना छोड़ दिया है। और तो और सुनो, 14-14, 15-15 साल के बच्चों को इश्क हो रहा है, आई लव यू कहने लगे हैं, टक से फोन उठाया, कोई पसंद आया, सीधा मैसेज डालते हैं, आई लाइक यू, वाह। 2-4 साल में शादी हो जाती है, 1-2 साल बाद तलाक, क्या था ये, प्यार नहीं था, ये अट्रैक्शन था। तो आप सबसे सुधीरा निवेदन करना चाहता है कि मोबाइल फोन जो बना है, उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज है, आप उसका उपयोग करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे होंगे, दुरुपयोग करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट्स भी बुरे मिलेंगे। भाई बहनों, रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है। और तो और, आजकल क्या चल गया है, आदमी मल्टी टैलेंटेड हो गया है, इधर फोन पे चैट हो रही है, मां बोल रही है बेटा खाना खा ले, हाँ, एक साथ दो दो काम, इधर लिखा जा रहा है आई लाइक यू, आई लव यू, उधर हाँ, क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड टास्क बच्चे करने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मोबाइल फोन का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए।
और जो भी यूथ है, युवा वर्ग है, मोबाइल का प्रयोग करता है, उन सबको कहना चाहता हूं कि किसी की भलाई के लिए, नेकी के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। जो रील्स में आपको दिखाया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता है। रील लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। पहले लैंडलाइन होता था, वाओ कितना अच्छा माहौल था, किसी किसी के घर पे होता था, किसी का कॉल आता था तो आवाज देकर बुलाया जाता था, ओ भाई तेरा फोन है, ए बहन तेरा फोन है। जो पड़ोसी आपस में बोलते नहीं थे वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। अब तो मोबाइल फोन को जेब में डाल के पंगा ले लिया लोगों ने, झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, कोई झूठ भी बोल रहा है, भेज तेरी लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर, लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन। चैन छीन लिया है इस मोबाइल ने सबका। क्या करेगा आदमी? आदमी कुछ नहीं कर सकता है। बस आपको करना सिर्फ इतना है, अच्छे काम के लिए इसका उपयोग करें, बुरे काम के लिए नहीं। और चुगलियां होने लगी, किसी का फोन आता है, कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो कॉल रिकॉर्डिंग सप्लाई की जाती है सब जगह, और मजे ले लेकर उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। दुश्मनी बढ़ा दी है इस मोबाइल फोन ने। और मैं तो कहता हूं एक काम होना चाहिए, सरकार को एक बिल पास करना चाहिए, जिस प्रकार से गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी चलाने के लिए लाइसेंस होता है, उसी प्रकार से मोबाइल फोन चलाने के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। एक परीक्षा या टेस्ट सरकार द्वारा रखा जाना चाहिए, उसमें जो भी व्यक्ति उस टेस्ट को पास करे, क्लियर करे, उसके हाथ में मोबाइल होना चाहिए और सिम कार्ड का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता कि मोबाइल का उपयोग कैसे करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए इसका। सुधीरा के द्वारा जनहित में जारी, टेक केयर, बाय।